जैसे ये इसको मैंने ये कस मारा, ये कस आ गया इसका। अब इसके अंदर हम ये नाइट्रिक एसिड तेजाब होता है, इसको हम चेक करने के लिए इसके डालते हैं। ये देखें, ये खत्म हो गया। ये इसकी पहचान, नकली और असली की पहचान तो ये हो गई, ठीक है ना। अब इसको हम ये साफ करके मैं अभी आपको गोल्ड की पहचान करवाता हूँ कि गोल्ड। अब ये एक बैंगल है, चूड़ी है, ठीक है, ये गोल्ड की है, किस कैरेट गोल्ड है इसके अंदर। अभी मैं आपको इसकी चेक करवाता हूँ इसको। ये मैंने इसको अभी कस मारा है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये तेजाब हम डालते हैं, देखिए इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये तेजाब ने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। नाइट्रिक एसिड तेजाब जो है वो सोने को खा नहीं सकता, सोने को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा इससे। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजीन, मैं हूं आपका मेजबान समीर बेलिम और आप देख रहे हैं डेली नया इन्फो। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ज्वेलरी शॉप पर, जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि गोल्ड की पहचान किस तरह होती है और ये 22 ग्रेड, 24 ग्रेड, 18 ग्रेड, इन सब की पहचान आपको करवाऊंगा कि वो नकली असली का क्या फर्क है, इमिटेशन का क्या फर्क है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जुड़े रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अजी, आज मैं आपके पास आया हूँ गोल्ड की पहचान के लिए कि गोल्ड जो है उसकी पहचान कैसे होती है, 22 ग्रेड, 24 ग्रेड, इसका क्या ग्रेड, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी पहले तो मैं ये आपको अर्ज करूंगा कि पहले के आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो है वो ये हम सिर्फ कसौटी के ऊपर जो है इसकी पहचान कर लेते थे। अभी भी इससे ही करते हैं हम। अब जो है ना जदीद तरीके आगे, मशीनरियां आ गई हैं, मगर वो हम, मैं ये समझता हूँ कि मशीनरी हमारी नजर के आगे फेल है। जिस तरह हम इसके, इससे हम गोल्ड की जांच कर लेते हैं, मशीन इस तरह नहीं कर सकती जितनी हम बारीकी से इसके अंदर चेक करते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक बाली है, ठीक है ना, ये बाली जो है आपको तो लग रही है सोने की, मगर ये सोने की बाली नहीं है, ये है आर्टिफिशियल। अब इसकी मैं आपको पहचान इस तरह कराऊंगा कि जैसे ये, इसको मैंने ये कस मारा, ये कस आ गया इसका। अब इसके अंदर हम ये नाइट्रिक एसिड तेजाब होता है, इसको हम चेक करने के लिए इसके डालते हैं। ये देखें, ये खत्म हो गया। ये इसकी पहचान नकली और असली की पहचान तो ये हो गई, ठीक है ना। अब इसको मैं साफ करके मैं अभी आपको गोल्ड की पहचान करवाता हूँ कि गोल्ड। अभी एक बैंगल है, चूड़ी है, ठीक है, ये गोल्ड की है, किस कैरेट गोल्ड है इसके अंदर। अभी मैं आपको इसकी चेक करवाता हूँ इसको। ये मैंने इसको अभी कस मारा है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये तेजाब हम डालते हैं, देखिए इसको कुछ भी नहीं हुआ, तेजाब ने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। नाइट्रिक एसिड तेजाब जो है वो सोने को खा नहीं सकता, सोने को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा इससे। ये देखें, तो मैंने कितना इसको जबरदस्ती कोशिश करी कि ये खत्म हो जाए या हल्का पड़ जाए, ये कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ा। ये तो है नकली और असली गोल्ड की पहचान। अब इसके अंदर दूसरी नई चीज मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह ये हम जैसे कस मारा है, अब ये 21 कैरेट से हल्का होगा, 18 कैरेट होगा थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा, और 18 कैरेट से भी हल्का होगा तो ये बिल्कुल सुर्खी माइन हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा, ठीक है। और 12 कैरेट का सोना वो कहलाएगा, और 12 कैरेट से भी हल्का होगा तो वो सफेदी से मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये है गोल्ड की पहचान भाई, 40 साल हो गए हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा भाजी, ये तो आपने मुझे बता दिया कि गोल्ड की पहचान, गोल्ड नकली और असली का फर्क, ठीक है। आपने जो बताया 22 कैरेट 80 कैरेट, तो वो इसमें और प्लस, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कसौटी से ही आप करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मशीन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से ये चीज आते हैं, ठीक। तो आप इसके अंदर जैसे आपने बताया 22 कैरेट का, तो इस तरीके 24 कैरेट का भी, 18 कैरेट का, सबकी यही इसी तरीके से पहचान, तरीके से पहचान होती है। हम आज तक 40 साल से हम ये कसौटी पे ही पहचान करते हैं। कसौटी भी क्या है, ये पत्थर है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने ही इसको पैदा किया। अब ये देखो, ये मैंने इसको ऊपर तेजाब रखा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये मार्बल पत्थर है, ये देखो इसका क्या होगा, इसको ये खाएगा, ये देखो इसको ये खा रहा है।
इसको खा नहीं रहा है। ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है, इसे भी अल्लाह ने पैदा किया, इसे भी अल्लाह ने पैदा किया, जमीन की पैदावार है, मगर इसको खास सोने की जांच के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये सिर्फ जो है एक सुनार के पास ही है जी, या हर किसी सुनार ही समझ सकता है ना इसको, आम आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकेगा ना, उसको तो पत्थर ही बोलेंगे ना, आपको किस कैसे समझ में आएगी इसको, तो मतलब इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, वक्त लगा, टाइम लगा इसको समझने के लिए कि भाई ये कलर जो है ये कौन सा कैरेट का कौन सा कलर होता है, ये समझना पड़ता है, टाइम लगता है, इसके अंदर तजर्बे करने पड़ते हैं इसके ऊपर।